सीहोर जिले की रहेटी तहसील के अंतर्गत ग्राम महागांव जदीद में गेहूं तुलवाई में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां 5 मई को कृषक चंद्र प्रकाश मालवी अपने गेहूं लेकर महागांव तुलाई केंद्र पर गया, लेकिन तुलाई कांटे में गड़बड़ी होने से उपार्जन केंद्र के प्रबंधक व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहेटी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है, जिसके उपरांत मामले को संज्ञान में लेते हुए नायब तहसीलदार के द्वारा जाँच की गई, जिसमें 100 से 150 ग्राम के करीब अधिक गेहूँ तोला जा रहा था। प्रकाश मालवी कहाँ रहते हैं? मैं महागांव रहता हूँ, रहती थे महागांव। आपके साथ क्या घटना हुई? मैं अपना गेहूँ पास जब खेत महागांव के उस पर लेके जब गया फुलाने के लिए, तो वहाँ पर जब मैंने कांटे को देखा, पहली ड्यूटी बनती है कांटा चेक कर, जब मैंने कांटा वहाँ पे चेक करा तो उस कांटे में डिफरेंस आया, फिर मैंने दूसरा कांटा चेक करा उसमें भी डिफरेंस आया, फिर जाके जो वजन दर जो होते हैं फुलाई का जो ठेका ले रखा उसके पास गया, तुम्हारे कांटों में भी डिफरेंस आ रहा है, पहले कौन से वाले मारा ये बताओ, फिर तीसरा कांटा और चेक करा उस पर 750 ग्राम का डिफरेंस आया। इसके बाद ये सूचना मोबाइल पे तहसीलदार साहब को पटवारी साहब को दे दी, इसके बाद जो है उनका जो सचिव सेक्रेटरी जो है राजेंद्र प्रसाद उर्फ महेश पवार बोलते हैं उनको, वो वहाँ पर पहुँचे, जब उन्होंने उन कांटों को चेक कराया और ये मान लिया है कि इनमें 750 ग्राम ज़्यादा तोड़ रहा है, उन्होंने ये कांटों को सुधार दिया गया वहाँ पे, सुधारने के बाद उनका जो वजन तोलने वाला जो था उसे ये कह दिया कि आप ये लोग गड़बड़ करें तो ठोक देना, और वो वापस आ गया। तो हम लोगों ने फिर सूचना तहसीलदार साहब को दी कि ऐसी ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी है और उन्होंने हमारा गेहूँ ज़्यादा तोला है। तब क्या होता है कि पटवारी साहब ने मुझसे ये कहा कि हम लोग कल वहाँ पर चेकिंग करने के लिए हम आएंगे, तब शाम को कहने लगे एक काम करना, वो बोरियों को अलग रखवा देना, जो ज़्यादा तुली हुई है उनकी कोई छेड़छाड़ नहीं। मेरा आधा गेहूँ मतलब तुला नहीं था, वही था रात में, मेरा हाली जो है वहाँ पे सोया, तो रात को जब मैं चक्कर लगाने के लिए गया तो वहाँ जो उनके हमाल वजन कस जो थे वो उन बोरियों में जिनमें ज़्यादा तुले थे वो बम्बू डाल के उनको बैलेंस में गेहूँ निकाल रहा था। मैंने जैसे जाके देखा उनके ये क्या कर रहा, उन्होंने वो पाइप की एक राड पड़ी थी कांटे पे जो स्टैंड लगता है उसको उतार के सीधा हमला मेरे ऊपर कर दिया, एकदम से हमला किया। तो कहाँ चोट आई आपको, चोट कहाँ आई? हाथ लगाया, इसकी शिकायत करी आपने कहीं? मैंने FIR करा दी जी। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? उन्होंने ये बोला कार्रवाई की जाएगी, अभी तो पहली बात तो उन्होंने FIR मुश्किल से की, लगे हम FIR करेंगे तो आपका झगड़ा हुआ वो लिखेंगे, फिर उन्होंने हमने रिक्वेस्ट की उन्होंने, तब उन्होंने तब जाकर मैंने कहा मैं गेहूँ तो लाने गया था, मैं तो उसे जानते ही नहीं, मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, उसने तो गेहूँ तो लाने गया था, ज़्यादा तोड़ने पर ऑब्जेक्शन दिया, तब उसने मेरे ऊपर वार किया, सर पे मार दिया, सर पे चोट लग गई, अगर ये हाथ नहीं लगाता तो इसलिए मेरे ये हाथ देखा। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के कार्यवाहक ब्लॉक अध्यक्ष संतोष गौर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र में हुई है, इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की स्थिति कैसी होगी। वैसे तो पूरी बुधनी विधानसभा क्षेत्र में सीहोर जिले में कल भी समाचार पत्रों में छपा था कि ज्यादा गेहूँ तोला जा रहा है, और ये प्रशासन को अवगत बार बार हमने किया, मौखिक भी किया, आवेदन देने भी किया, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। एक किसान का गेहूँ ज़्यादा तुलता है और इतनी दादागिरी, प्रबंधक महेश पवार की इतनी दादागिरी, किसान पर हमला कराता, जानलेवा हमला कराता, अगर किसान हाथ नहीं लगाता तो सर पे लगता, हो सकता है कि गंभीर चोट आने की संभावना। तो पूरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा में हालत मध्य प्रदेश की स्थिति की सोचने लायक बात है। सर ये महागांव का कोई मामला आया था, उसमें आवेदन मिला था, उसमें आपने क्या संज्ञान लिया उसका? महागांव जदीद में किसानों के द्वारा खरीदी के जो कांटा है उसमें गड़बड़ी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन शिकायतों को मौके पे जाने के बाद में हमने जब चेक कराया गया तो 5 बोरी हमने चेक कराई, तो 5 बोरी चेक कराई तो 5 बोरी में 100 से 150 ग्राम गेहूँ अधिक निकला है। तो वहाँ लोकल पूछताछ की गई तो पता चला कि उस कांटे में कुछ गड़बड़ी थी, तो उस कांटे को ठीक करा के फिर तुलाई चालू कराई। बहरहाल कोरोना काल में प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों को राहत पहुंचाने के लिए खरीदी केंद्र तो शुरू करवा दिए हैं, लेकिन कई स्थानों पर जहां किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, वहीं कांग्रेस को फिर बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का एक मौका मिल गया है।
खबर मध्य प्रदेश के लिए नसुल लगन से वसीम खान की रिपोर्ट।